Hi, welcome to another video. My name is Jis Joseph. I am from British and American Institute. We have NANI course, NANI visa application, IELTS course and all this stuff. You can contact us for any kind of queries you have. So, आज की वीडियो में हमने यही देखना है कि एक नैनी केयर गिवर में कोई बाहर चले गया तो उनके साथ कौन कौन जा सकता है और उन्होंने वहाँ जाकर क्या क्या काम कर सकता है और कितनी देर के लिए काम करना पड़ेगा, सैलरी कितना मिलेगा और कितनी घंटे की एक हफ्ते में जॉब कर सकता है, वो टोटली क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं इस वीडियो में। सो नैनी केयर गिवर सेक्टर में मैंने बहुत सारे वीडियोस इसके पहले भी बनाए हुए हैं, सो आप चेक कर सकते हो डिफरेंट सी क्वालिफिकेशंस के बारे में। एनीवे, जस्ट ब्रीफली, आपको 13 ईयर की एकेडमिक चाहिए, आईएलएस करना है, नैनी कोर्स करना है, वो भी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से करना है लाइक अस। सो वी आर गिविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द काउंसिल, सो विच इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो एंड आपको थोड़ा बहुत तो वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए, देन एज इट इज ए जॉब ऑफ सॉरी एक वर्क परमिट है, सो यू नीड ए जॉब ऑफ अ लेटर विद, राइट। सो देन अगर आप सोचो आपने ये सभी कर लिया, आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद शायद आपको इंटरव्यू आएगा मे बी, राइट। सो शायद इंटरव्यू ना भी आए, सो आपको वीसा मिल गया, सो कौन आपके साथ जा सकता है, मीन्स आप सोचो आप कैंडिडेट हो, आपके साथ कौन आपके साथ आ सकता है। इफ़ यू आर मैरिड, राइट, इफ़ यू आर नॉट मैरिड देन कोई भी आपके साथ नहीं आ सकता, आप अकेले जाना पड़ेगा बिकॉज कैंडिडेट ही जा सकता है। अगर आप मैरिड हो, इफ यू आर मैरिड, आपका स्पाउस आपके साथ आएंगे, राइट, आपके साथ आपका स्पाउस आ सकते हैं, एंड अगर आपके किड्स है तो आपके किड्स भी आपके साथ आ सकते हैं, राइट। देन आपके मामा पापा ऐसे कोई नहीं आ सकता, सिर्फ आपका फैमिली, अगर आप मैरिड हो आपके स्पाउस आ सकते हैं। सी कैंडिडेट कौन है इसके हिसाब से, मीन्स हस्बैंड है तो हस्बैंड और नहीं तो वाइफ है तो वाइफ, सो स्पाउस आपके साथ आ सकता है एंड किड्स आपके साथ आ सकते हैं। देन जो कैंडिडेट है, जो केयर गिवर है, इनको कैटेगरी बेस्ड ही मिलेगा, कैटेगरी क्लोज्ड कैटेगरी में होगा, क्लोज्ड कैटेगरी वीजा ही मिलेगा। क्लोज्ड कैटेगरी वीजा की मतलब यही है कि आपने देखो आपने 4411 और 4412 में जा रहे हैं, 4411 मतलब केयर गिवर फॉर चिल्ड्रन, 4412 मीन्स केयर गिवर्स होम सपोर्ट वर्कर इन ए सेंस, राइट। सो आपने यही कैटेगरी में ही आपने काम करना होगा। यू कैन स्विच योर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो है आपने उधर जाकर आपने सोचो एम्प्लॉयर वन के पास आपने आया, एम्प्लॉयर टू के पास आपने चेंज किया, आप चेंज कर सकते हो, आपका एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं। आपने आपके मामी के पास गया, आपने आपका मासी के पास चले जा रहे हो, मतलब आप यू कैन चेंज योर एम्प्लॉयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट एम्प्लॉयर स्विच कर सकता है बट आपका कैटेगरी नहीं चेंज कर सकता, मतलब आप तो ओपन में नहीं काम कर रहा कोई भी काम करे, राइट। सो आपने ये कैटेगरी में ही काम करना होगा एज द केयर गिवर, राइट। सो ये करना है आपने सिर्फ 2 साल के लिए, 2 साल के बाद आपको पीआर मिल जाएगा, राइट। पीआर मिलने के बाद आप जो मर्जी करो, ना भी करो, आप स्टडी करने के लिए जाओ, अगर जो मर्जी आपकी मर्जी है कि आपने क्या करना है पीआर मिलने के बाद। सो ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेगा, एक क्लोज्ड कैटेगरी वीजा मिलेगा, वो 4411 और 4412 के अंडर ही मिलेगा, वो 2 ईयर आपने करना है, इसके बाद आपको पीआर मिलेगा। सी, ये तो कैंडिडेट के बारे में। देन आपके साथ जो स्पाउस आ रहे, स्पाउस को क्या है, सी स्पाउस उधर आकर ओपन वर्क परमिट में काम कर सकते हैं। ओपन वर्क परमिट की मतलब ये है कि उन्होंने कोई भी काम कर सकता है, राइट। उन्होंने अगर रेस्टोरेंट में काम करने कर सकते हैं, अगर ड्राइवर बनना है तो बन सकते हैं, अगर केयर गिवर सेक्टर में काम करने कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको आपका स्पाउस को कोई भी काम कर सकते हैं एट ऑल, नो प्रॉब्लम। किड्स जो है, किड्स की एज के हिसाब से होगा, बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको वैसे नॉर्मल वीसा ही मिलता है, अगर वो कुछ स्कूलिंग टाइम में आ गया तो स्कूलिंग वीसा, अगर नहीं तो थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो उनको स्टडी वीसा मिल जाएगा। एनीवे वीसा जो है वो किड्स को होता ही है। देन मैरिड है तो स्पाउस को मिलेगा, वो ओपन वर्क परमिट पे है, देन वहाँ पे कोई जॉब लेकर नहीं जा रहा हूँ, आपने उधर जाकर ढूंढना है। सो स्पाउस की जो सैलरी है वो डिपेंड्स करता है कि क्या जॉब आप करते हो, राइट। बट जो कैंडिडेट है, केयर गिवर है, केयर गिवर की जो मिनिमम सैलरी जो होता है वो $14 है, जो $14 एक आवर में मिलेगा, मिनिमम मिलना है, एंड एक हफ्ते में आपको चाहिए 30 आवर्स पर वीक, एक हफ्ते में आपको मिनिमम 30 आवर की जॉब चाहिए, फिर ही आपको ये इट विल बी काउंटेड एज ए फुल टाइम जॉब।
सो यही है इसके बारे में. सो एज ए केयर गिवर आपको $14 एक हफ्ते सॉरी आवर में रहेगा, ऐसे 30 आवर आपको एक हफ्ते में मिनिमम मिलना चाहिए. एंड यू हैव टू वर्क फॉर द 4 वीक्स. आई मीन सो टोटली आपने 3 साल की वीसा में 2 साल जब भी कंप्लीट करते हैं आप यू विल गेट अ PR, राइट. PR के लिए और कुछ नहीं करना है. सो बट आपकी जो स्पाउस आएगा, स्पाउस सिर्फ स्पाउस और किड्स आ सकता है, आपका पापा मामा वगैरह नहीं आ सकता. सो इसके बारे में बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं. सो आपको इनको मिलेगा, इनको तो कोई भी काम कर सकता है. इनकी सैलरी जो है वो डिपेंड्स करता है कि क्या जॉब उन्होंने करते हैं. किड्स को जो स्टडी वीज़ा मिलेगा वो भी उन्होंने भी काम कर सकते हैं जितना अलॉटेड है, राइट. सो जितना घंटे उन्होंने काम कर सकते हैं उतना घंटे काम कर सकते हैं. सो यही है इसकी एक्सपीरियंस के बारे में, सॉरी सो यही है इसकी सैलरी और आपके वर्क परमिट के बारे में. वर्क परमिट मिलने के बाद आपको सैलरी और जॉब की जो ड्यूटीज वगैरह जो है वो तो डिफरेंट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा. सो यही है जो केयर गिवर कैनेडा पहुंचने के बाद जो करना है आपको. सी यू विल गेट ए कैटेगरी बेस्ड वीजा एंड स्पाउस गेट एन ओपन वर्क परमिट एंड किड्स गेट ए स्टडी वीजा. सो इफ यू वांट टू नो मोर, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर नैनी कोर्स, इफ यू वांट टू go to Canada and get PR in just 2 years, you can contact us for that. So you have the number here, so just contact us. We have the nanny course, we have filing and all the stuff we are doing related to nanny course. We have online IELTS classes online, at present we are doing nanny course also online. So all the stuff will be covered and you will be taken care of. सो इसके बारे में कुछ भी क्वेरीज हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. यू कैन शायद हो सकता है ये नंबर आपको कॉलिंग में ना मिले, बहुत बिजी होगा, बट आप व्हाट्सएप में मैसेज लीव कर सकते हैं, यू विल गेट कॉल बैक. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू आर न्यू हियर कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो इटसेल्फ. So share with your friends or relatives, whoever who thinks about migrating to Canada. So subscribe this channel if you are new here. Thank you. Thanks for watching.